विनोद कुमार कबीरपंथी, इनका सवाल ऐसा है कि रामपाल जो है, जो अभी जेल में है, उनका उल्लेख गीता में है। वो तत्व कहने वाले यानी फिलोसॉफी कहने वाले एक बाबा थे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं ये रामपाल विषय जब विस्तार से लूंगा तब ये बात आपके सामने रखूंगा। अभी आधी अधूरी बात कहूंगा तो काफी लोग बिना कारण, बगैर कोई रीजन चिढ़ जाएंगे। भाई आज के जमाने में आपको तत्व कहने के लिए बाबा बनने की क्या जरूरत है? फिलोसॉफी तो वैसे भी कही जा सकती है। फिलोसॉफी ये बहाना होता है, सीधा कॉमन सेंस है, जो अपने आप को, मुझ में दैवी शक्ति है, मैं आप पर कृपा कर सकता हूं, आपका भला कर सकता हूं, ऐसा आभास निर्माण करता है। अपने पैरों पर माथा टेकने के लिए लोगों को प्रवृत्त करता है। मुझ में तुमसे ज्यादा कोई शक्ति है, ऐसा आभास निर्माण करता है। वो बाबा प्रामाणिक कैसा हो सकता है? ये मेरा सीधा साधा सवाल है। जब उनको एक मर्डर में अरेस्ट हो रही थी तो अपने भक्तों को उन्होंने इतना भड़का दिया, भक्त अपने आप नहीं भड़कते हैं, कि उसमें काफी लोग मारे गए और फिर आगे चलकर क्या हुआ आपको पता है। तो जब विस्तार से रामपाल लूंगा तब सभी बातें आपके सामने आएगी। पहले इन्वेस्टिगेशन करना बहुत डिफिकल्ट था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि फिजिकली आपको सब इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता था। आजकल के जमाने में ये बात बहुत आसान हो गई इंटरनेट के कारण। तब क्या हुआ वो भी बात मिलती है आपको, उसके पहले क्या हुआ वो भी बात आपको मिलती है। तो ये थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ता है। और उसके बाद में रामपाल के बारे में, वो सही माने में किस ढंग से लोगों को ठगते थे, नहीं ठगते थे, लोगों का भला करते थे, क्या थे, इस बातें में विस्तार से हम बात कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे यूट्यूब चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोज़ का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।